मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 17 दिसंबर मंगलवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए आज क्या करें क्या ना करें। आपके लिए आज लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। मित्रों आपके व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका यह दिन काफी खास रहेगा, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे, बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। मित्रों विवाहितों के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया है और जो छात्र मेडिकल की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको अपने मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, कारोबार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं, रिश्ते आपके बेहतर बने रहेंगे, आपके किसी पुराने मित्र से आज के दिन मुलाकात हो सकती है। आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए, किसी की मदद मिलने से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, सेहत के मामले में दिन काफी अच्छा रहेगा। मित्रों शिक्षा से जुड़ी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर आपको अपने भाई बहनों से भी आज के दिन मदद मिल सकती है। मित्रों तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको कुछ अच्छे मौके मिल रहे हैं और किसी तरह की नई प्लानिंग को लेकर आप कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, संतान से खुशखबरी मिलेगी, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है, ऑफिस के किसी काम से आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। मित्रों आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, आज किसी काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है, आज काम का दबाव होने की वजह से काम अधिक होने से आपका तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है, बच्चों के समय बिताने पर आपको राहत मिल सकती है। मित्रों तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई अच्छी डील मिलेगी, ऑफिस के काम को जल्दबाजी में करने से बचें, आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे समय को व्यतीत कर सकेंगे। मित्रों तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा, बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा होगा, जीवन साथी की सलाह फायदेमंद हो सकती है। मित्रों ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए, आपको पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझ कर लें, इससे आपको काफी फायदा होता दिख रहा है, कामकाज के मामलों में परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं, इससे आपके संबंधों में मजबूती बरकरार रहेगी, आपकी आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होंगी, माता पिता आपकी मेहनत से बेहद प्रसन्न रहेंगे, आपको सभी कामों में उनका सपोर्ट भी मिलेगा, बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों से भी आप मदद ले सकते हैं, शिक्षक भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, व्यापार को बढ़ाने के मामलों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी ये मेहनत काफी सफल भी रहेंगी। मित्रों तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बिजनेस के सिलसिले में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी यात्राएं संभव है, किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए, इससे लोग आपसे प्रभावित होंगे, बिल्डर्स के लिए आज का दिन बेहद शुभ है, आपको किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है, आप थोड़े सोच विचार में रह सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी,
आप खुद को थकान से भरा महसूस कर सकते हैं। काम का अधिक दबाव होने के कारण आप बेचैन ना हो, समय से काम पूरे होंगे। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करने की और तथा खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज का दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब रहेंगे। किसी जरूरी काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। बाहर घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। मित्रों, आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका बढ़ा हुआ मनोबल आपके किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। आपको कुछ मनोरंजन का मौका भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी हासिल होंगी। आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों, आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचें। अगर आप कुछ सामाजिक मामलों में हाथ बढ़ाएंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। किस्मत का साथ मिलने से आपकी परेशानियां कम होती दिख रही हैं। तुला राशि के छात्रों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई के प्रति आपका रुचा बढ़ सकता है और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मित्रों, लेकिन आर्थिक रूप से आपका दिन केवल उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। आपको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए फेवरेबल है। आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपको काफी फायदा दिला सकता है। कारोबार में आपको धन लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन वालों के लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल रह सकती हैं। जीवन साथी आपकी भावनाओं को कद्र करेगा। मित्रों, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी अधूरे काम में हाथ लगाने से वह जल्द ही पूरा होता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्कियां मिल सकती हैं। मित्रों, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी अधूरे काम में हाथ लगाने से आपका वह काम जल्द ही पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का अवसर मिल सकता है। और तुला राशि के छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में कोई नया अनुबंध आपका हो सकता है। परिवार वालों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आपको आज गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सारे बिगड़े और रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा की प्राप्ति होगी। आपको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। जो कपड़े के व्यापारी करते हैं उनको आज व्यापार में अपने ग्राहकों की संख्या और आपके सैलरी में इजाफा हो सकता है। मित्रों, आपके बॉस आपके कामों से काफी खुश रहेंगे। सहयोगी आपके साथ काम करने के लिए व्याकुल हो सकते हैं। मित्रों, आज जो टेंट प्लांट का काम करते हैं उन जातकों के लिए आज का दिन काफी शुभ है। कारोबार की बढ़ोतरी और व्यापार का विस्तार हो सकता है। आज आप किसी नई वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। वाहन सुख के सबसे प्रबल योग बन रहे हैं। आपको अपनी किस्मत के बलबूते सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप उस सभी चीजों की अपने गिरफ्त में कर सकोगे जो कि आप बरसों से काम ना करते चले आए हैं। मित्रों, आज का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यादगार पलों में से आज का दिन सबसे खास है। आपको बताना चाहेंगे कि लव लाइफ के बारे में आप अपने प्रेम जीवन में काफी प्रसन्न नजर आएंगे।
मित्रों आप बुद्धि विवेक से कार्य करें, आपका खोया हुआ बिछड़ा हुआ प्रेम आपके जीवन में दोबारा से दस्तक दे सकता है। मित्रों इससे आपकी खुशियां और चार चांद लग जाएंगी। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए कार्य प्रगति पर आएंगे। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आपको शिवजी की कृपा से जीवन में कुछ खास प्राप्त हो सकते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से जिस मौके की तलाश कर रहे थे वो मिलेगा। आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।